हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि भारत के प्रथम संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य तात्कालिक कारणों में ये है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप किया गया। अंग्रेजों ने एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था जिसके कारतूसों पर गायें और सूअर की चर्बी लगी होती थी, और इस्तेमाल करने से पहले इस चर्बी को हटाना होता था। और गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस विद्रोह के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास वो है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारणों में था ब्रिटिश साम्राज्य जो नीतियाँ थी वो कारणों में थी। अगर हम प्रमुख कारणों के बारे में बात करें तो या तो वो राजनीतिक कारण रहे हों जिनके वजह से यह विद्रोह चला, या वो धार्मिक कारण हों जैसे एनफील्ड राइफल का प्रयोग, या वो आर्थिक कारण रहे हों। आर्थिक कारणों में जो भारत की जो दशा थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो ये सभी कारणों थे जिनकी वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो विद्रोह हुआ। प्रमुख कारणों में तो ये रहे, और तात्कालिक कारणों में जो धर्म में हस्तक्षेप किया था वो ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर। खान बहादुर रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे, और 1857 के विद्रोह की इन्होंने बरेली में का यहाँ पर नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें तो इनकी खान बहादुर की, तो खान बहादुर ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे। प्रारंभ में तो इस विद्रोह से दूर रहे, लेकिन जैसे जैसे यह विद्रोह पूरे देश में फैला तो इस विद्रोह में ये लग गए, 1857 के विद्रोह में। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो ये बड़ा था बेगम ऑफ अवध के। अगर हम बात करें बेगम ऑफ अवध की तो इन्हें बेगम हजरत महल भी कहा जाता है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और इनकी जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की तो वो ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में इनकी समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत में रहे, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहले वायसराय भी थे। पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे, और इनको 1858 का जो अधिनियम आया था उसके तहत इनको वायसराय नियुक्त किया गया था भारत का। तो भारत का पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 1857 का प्रथम संग्राम असफल क्यों हुआ। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय सिपाही बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ रहे थे, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था और ना ही कोई सुनियोजित योजना थी। अगला जो ऑप्शन है कि भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ऐसे बहुत से भारतीय राज्य थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता करी, जैसे ग्वालियर, जिंद, पटियाला और हैदराबाद के राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की सहायता दी इस विद्रोह को दबाने के लिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शंस है वह है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे उनके पास अनुशासन की कमी थी, और ट्रेनिंग जो उनका पीरियड था वो भी शून्य के बराबर था, और वे अच्छे तरीके से संगठित भी नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं जो 1857 की विफलता के लिए कारण बने। अगला
अगला जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ तब उसे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पॉमर्स्टन। पॉमर्स्टन का जो कार्यकाल रहा है वो 1855 से 1858 तक का काल रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। तो जो सही उत्तर इसका है वो है ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। और इनके जो यहाँ पर जो ग्वालियर के जो मंत्री थे सर दिनकर राव ग्वालियर के मंत्री थे और इन्होंने भरसक सहायता की थी अंग्रेज़ों की। यूरोपीय इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के जो मंत्री थे सलार जंग इन दोनों की काफ़ी तारीफ की थी राजभक्ति के लिए। इन्होंने राजभक्ति पूरी दिखाई थी अंग्रेज़ों के प्रति इस विद्रोह को दबाने के लिए। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो है पील कमीशन। पील कमीशन का जो गठन किया था वो इस विद्रोह के बाद किया गया था। सैनिकों के जो अनुपात था उसको चेंज करने के लिए और जो बंगाल में जो यूरोपीय जो भारतीय सैनिक जो अनुपात था वो 1:2 किया गया था और मद्रास और बम्बई में ये जो यह अनुपात था यह 1:3 के अनुपात में था। तो पील कमीशन का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह को नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा क्या उद्देश्य था। तो जो पहला जो हमारे पास ऑप्शंस है कि वो है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने में किसी भी विचार का परित्याग करना। अब इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में कोई भी राज्य नहीं मिलाया जाएगा। इस उद्घोषणा में इस जो उद्घोषणा की गई थी उसमें यह विचार किया गया था। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो यह बात भी सही है क्योंकि भारतीय प्रशासन अब पूर्ण तरीके से ब्रिटिश प्रशासन में चला गया था। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियमन था वो व्यापार के नियमन में था भारत के साथ। तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। उसका सही जो उत्तर है वो है ए पहला और दूसरा का सही उत्तर है। ये दोनों सही उत्तर हैं। तीसरा ही सही नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। और जितने भी हमने प्रश्न किए हैं इससे पिछली 2 वीडियो में हमने इन प्रश्नों के बारे में विस्तार चर्चा की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।